Little Red Riding Hood. एक समय की बात है, एक जंगल के किनारे एक गांव बसा था। उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसे हर कोई पसंद करता था। उसकी दादी दूसरे गांव में रहती थी, जो उसे बेहद प्यार करती थी। उसके जन्मदिन पर उसकी दादी ने लाल वेलवेट का एक सुंदर फ्रॉक दिया था, जिसके साथ एक हुड भी लगा था। उस सुंदर फ्रॉक को पहनकर वो लड़की बहुत गर्व के साथ सड़क पर चलती थी। जो भी उसके हुड लगे फ्रॉक को देखता, उसकी प्रशंसा करता। इसलिए सब ने उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड रख दिया। एक दिन उसकी दादी माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे दादी की सेवा करने के लिए भेजना चाहा। लो, ये टोकरी पकड़ो, इसमें तुम्हारी दादी माँ के लिए खाना है। और सुनो, संभल कर जाना, रास्ते में किसी अजनबी से बातचीत मत करना। अपनी माँ से विदा लेकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में था एक जंगल। वो अभी जंगल में कुछ ही दूर गई थी कि उस पर एक दुष्ट भेड़िये की नजर पड़ गई। उसे अकेला देखकर भेड़िये के दिमाग में उसे खाने की योजना बन गई। उसे अपने जाल में फंसाने के लिए भेड़िये ने भोला भाला सा मुंह बनाकर उससे पूछा, ए छोटी लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बीमार दादी माँ को देखने उनके घर जा रही हूँ। अच्छा, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? नहीं, वो तो पास ही रहती हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ, उनका घर किस दिशा में है? रेड राइडिंग हुड ने दादी के घर की दिशा की ओर इशारा कर दिया और चुपचाप अपने रास्ते चलती रही। उधर दुष्ट भेड़िये ने सोचा, क्यों ना इसके पहुंचने से पहले इसकी दादी को खाया जाए। जानती हो, अगर तुम अपनी दादी माँ के लिए जंगली फूलों का गुलदस्ता लेके जाओगी तो वो बहुत खुश होंगी। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तुमने अच्छा याद दिलाया। लिटिल रेड राइडिंग हुड फूलों का गुलदस्ता बनाने के लिए रास्ते में रुककर फूल तोड़ने लगी। उसे फूल तोड़ने में व्यस्त देखकर भेड़िये ने उसकी दादी के घर की राह पकड़ी। वो चालाक भेड़िया पहुंचा सीधे दादी माँ के घर। उसने बाहर से घर को देखकर सोचा, अरे वाह, क्या शानदार घर है। घर के आसपास कोई नहीं है, ये जानने के लिए भेड़िये ने चारों ओर चक्कर लगाया और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। अपने गले से लिटिल रेड राइडिंग हुड का स्वर निकालने के लिए उसने गला खंखार कर साफ किया। कौन है वहाँ? मैं हूँ दादी माँ, आपकी पोती। वो बूढ़ी महिला उठकर आई और उसने दरवाजा खोल दिया। भेड़िये को इसी पल का इंतजार था। उसने झट उछलकर दादी माँ पर हमला कर दिया। दादी माँ के कपड़ों को पहनकर भेड़िये ने अपनी वेशभूषा बिल्कुल दादी माँ की तरह बना ली। दरवाजा खुला छोड़कर वो दादी माँ के बिस्तर पर रजाई गर्दन तक ओढ़कर लेट गया। सिर पर दादी की टोपी लगाने से उसका रहस्य मुंह भी छिप गया। कुछ ही समय बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड वहां पहुंची। दरवाजा खुला देखकर वो दबे पांव घर में दाखिल हो गई। मगर उसने पाया कि दादी माँ जाग रही हैं।
उसने टेबल पर खाने की सामग्री सजाने के बाद गुलदान में गुलदस्ता सजा दिया। बिस्तर पर पड़ा भेड़िया चुपचाप उसे सारे कार्यकर्ता देख रहा था। तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड की निगाह दादी माँ के अंगूठे पर पड़ी, जिसे देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। ध्यान से देखने पर उसे लगा जैसे उसकी दादी कुछ बदली बदली दिखाई दे रही है। दादी माँ, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई? तुम्हारा सुंदर चेहरा देखने के लिए मेरी बिट्टो। दादी माँ, तुम्हारी नाक इतनी फूली हुई कैसे दिख रही है? मैंने दवाई नहीं खाई थी, इसीलिए। तुम जो दवाई लाई हो उसे खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतने में लड़की ने भेड़िये के ऊपर से चादर हटाई और उसको पता चला कि ये उसकी दादी नहीं बल्कि भेड़िया है। वो अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाते हुए बाहर भागी। उसका शोर सुनकर एक लकड़हारा वहां आया, जिसने उसकी दादी को भेड़िये के चंगुल से बचा लिया और भेड़िया वहां से भाग गया। तब उसकी दादी ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को सीख देते हुए कहा कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए।